हमने जो है एक बंदी का रॉय फील्डिंग के नाम पे उसका जो है वो पीएचडी का थीसिस भी देखा था, जिसमें उसने रेस्टफुल सर्विसेज को समझाने की कोशिश की थी। 5 पॉइंट्स थे, जिसमें पहला पॉइंट ये था हर चीज़ यूआरएल से एक्सेस हो जाना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट था कि आपके पास कुछ सेट ऑफ मेथड्स होने चाहिए जो कि सबके लिए कॉमन हो जाए, ताकि आपका कोड थोड़ा जो है सिमिलर हो सके, या आपके एक स्ट्रक्चर बन सके। तो वहां पे जो है बेसिकली करते ये है कि हम एचटीटीपी के वर्ब्स यूज करते हैं, पोस्ट गेट पुट, ये सारे जो एचटीटीपी वर्ब्स कहलाते हैं। तो हम जो है वो अपना कोड में मेथड जो भी बनाएंगे वो इन मेथड्स पे बेस करेंगे। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा सेव कराना है तो वो पोस्ट के थ्रू कॉल हो रहा होगा, अगर डेटा रिट्रीव कराना है तो वो गेट के थ्रू हो रहा होगा। और ये हमने बात पहले भी की थी कि ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। सही है, मैं गेट से पोस्ट का काम करवा सकता हूँ, पोस्ट से गेट का करवा सकता हूँ, मगर रिकमेंडेड यही है कि आप यही यूज करें। एचटीटीपी इसीलिए बना हुआ था ये मेथड्स। इसी तरह और भी मेथड है, यहाँ सिर्फ 4 लिस्ट डाउन है। फॉर एग्जाम्पल डिलीट और पुट। डिलीट क्या करता है, किसी भी रिसोर्स को डिलीट करने के लिए हम कॉल भेजते हैं, और पुट जो है वो अपडेट के लिए कॉल करते हैं। ऐसे और भी मेथड्स हैं और जो आपको इसमें मिल भी जाएंगे, हम सिर्फ 4 पे बेस करते हुए अपना काम करेंगे। तो अगर पुट की जो एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, www.example.com/customers/12345। इस रिसोर्स को अपडेट करना है। अब वैल्यू क्या अपडेट करनी है हम उस पर बात नहीं कर रहे, मगर एट द मोमेंट देखो कि यहाँ पे पहली चीज तो आपका यूआरएल है जो एपीआई का होस्टेड होगा, उसके बाद कंट्रोलर आ जाए। ये जो है एमवीसी स्टाइल में बना हुआ है, तो यहाँ पे व्यू नहीं होगा, कंट्रोलर और मॉडल्स होंगे। मॉडल में हमने बात की थी, एक होता है व्यू मॉडल, एक होता है डेटा मॉडल। एपीआई में सब कुछ डेटा मॉडल की तरह होगा, व्यू मॉडल वाली कोई कहानी है नहीं, उसके यहाँ व्यू होगा ही पहली बात। कस्टमर जो है क्या है, आपका कंट्रोलर है, तो कस्टमर की जो है क्लास होगी, उसके अंदर कुछ मेथड्स दिए होंगे। अब यहाँ पे एपीआई के दो वर्जन है, दोनों हम शायद देखेंगे। इसमें से पहला वर्जन ये था, वहां पे कस्टमर के बाद स्लैश मेथड का नाम आता था, गेट कस्टमर, अपडेट कस्टमर, वॉट एवर, स्लैश पैरामीटर्स। दूसरा जो कि एपीआई का अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें जो है वो मेथड का नाम हटा दिया, कस्टमर /12345। इस कस्टमर की क्लास पे 12345 पास करा, कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं नहीं बता रहे। यही चीज अगर ऊपर देखो, यहाँ पे पोस्ट पे क्या हो रहा है, कस्टमर्स, तो ये मेथड डिफरेंशिएट कैसे होंगे, कौन सा कॉल होना है, ये डिसाइड हो रहा है एचटीटीपी वर्ब्स पे, पैरामीटर पे और वर्ब्स दोनों चीजें। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है अपडेट के दो मेथड है, एक में दो पैरामीटर है, एक में एक पैरामीटर है, पहली चीज अपडेट पे कैसे जाएगा, वो पुट देखेगा कि पुट पे जा रहा है, ठीक है, और अगली चीज ये पैरामीटर पे डिफरेंशिएट करेगा, यहाँ पे मेथड के नाम नहीं दिया जाते। तो इसीलिए हम लोग जो है इसमें एक चीज देखेंगे जिसे हम राउटिंग कॉन्फ़िग कहते हैं, कि राउटिंग किस तरह होगी। वहां पे आप देखोगे हम मेथड का नाम हटा भी सकते हैं, चाहो तो ऐड कर लो आसानी के लिए अपनी। सही है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद जो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और सबको पता भी है कि पोर्ट पोस्ट किस तरह होते हैं, यूआरएस में क्या होगा, एचटीटीपी के मेथड्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं। एक हमने बात की थी स्केलेबिलिटी की पहले भी, और इस टॉपिक के शुरू में भी बात की थी। स्केलेबिलिटी क्या होता है, तो स्केलेबिलिटी ये है कि बेसिकली हम पहला काम ये करते हैं कि हम पीसी में जो है वो रैम बढ़ाने शुरू कर देते हैं, हार्डवेयर बढ़ाने शुरू कर देते हैं, उसके बाद एक लिमिट के बाद हम नहीं बढ़ा सकते, तो हम जो है पीसी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर हम क्लस्टर्स की तरफ चले जाएंगे और अलग अलग चीजों पर चले जाएंगे। इन दी एंड अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो हमारे पास होता ये है कि पीसी पे लोड बढ़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जब वो मार्क जकरबर्ग को जो है वो ख्याल नहीं आता और वो अपने पीसी पे जो है वो फेसबुक चलाते रहता, तो आज फेसबुक चल रहा होता नहीं चल रहा होता। एक यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना एडमिशन का जो है वो साइट बनाई और पहले दिन चलाया, पहले 2 मिनट के अंदर जो है साइट डाउन हो गई। क्यों हो गई, उन्होंने जो है स्केलेबल के हिसाब से नहीं बनाया था। अगर आप जो है एपीआई बेस पे काम करते हो तो आपके लिए स्केलेबिलिटी बढ़ाना आसान होता है। अगर यहाँ पे देखो एक यूआरएल है, आपकी एपीआई यूआरएल कॉल कर रही है, इसके अंदर जो है स्टेटलेस और स्टेट की हमने बात की थी, स्टेटफुल की। अगर ये स्टेटलेस है तो ये कोई से भी सर्वर पे जाए इसको मसला होगा नहीं होगा, इसको पता ही नहीं है, किसी कोई भी सर्वर रिस्पॉन्ड कर दे। और अगर आप एपीआई बेस कर रहे हो तो फिर आपको एपीआई से फिर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसे किधर हिट करना है, वो सारी चीज़ें होस्टेड वहीं पर होंगी। सही है, और अगर आपने बीच में लोड बैलेंसर लगा लिया, उसने कॉल जो है वो पहले सर्वर की जगह दूसरे सर्वर पर पहुँच कर लिया, क्लाइंट के लिए कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और आपकी सिस्टम जो है जैसे चल रहा था वैसे ही जो है वो 10 सर्वर पर चलना शुरू हो जाएगा। सही है, तो ये जो है बेसिकली जो हम सोप जो SOA यूज करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर,
उसका फायदा ये है कि हम स्केलेबिलिटी इजीली अचीव कर लेते हैं। उसमें जो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जब यहाँ लोगे तो आपको जो है अगर स्टेट लिस्ट रखोगे तो फिर तो और मसला खत्म हो गया कि आप हर यूआरएल जो है वो एक अलग सर्वर ट्रीट कर सकते हैं। और ये हमने बात की थी कि आपके पास रेस्टफुल सर्विस जो है वो सिर्फ जेसन या जेसॉन पे जो है रिस्पॉन्स नहीं करता, वो अलग डेटा टाइप्स पे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। एक रिस्पॉन्स का जो टाइप है एक्सएमएल, कि अगर मुझे एक्सएमएल में रिस्पॉन्स चाहिए तो एक्सएमएल में रिस्पॉन्ड कर देगा, अगर जेसन में चाहिए तो जेसन में कर देगा। अगर आप कहोगे कि एचटीटीपी का रिस्पॉन्स आ जाए यानी कि 200 400 404 तो वो उस पर भी रिस्पॉन्ड कर देगा। और अगर आप चाहोगे कि आपको बाइंड्री में डेटा दे दें यानी कि ब्लॉक, वो ब्लॉक भी दे देगा। तो मुझे कोई बीच में पेज बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपके डायरेक्ट पेज पे रेंडर करना शुरू कर देगा एज अ ब्लॉक। ठीक है, जिस तरह लास्ट वाले जो है WCF के एंड में हमने कंपैरिजन किया था, यहाँ पे भी कुछ कंपैरिजन के लिए चीजें लिखी हुई है, तो पहले ही पढ़ के बता देना कि जो है वो उसमें HTTPS तो नहीं लिखा हो। इसमें जो है बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सर्विस को HTTP और HTTPS पे चलाना चाह रहा हूँ तो ये दोनों चल जाएंगे। अगर मुझे TCP भी चलाना है तो वेब API नहीं चलेगी। सही है, वेब API सिर्फ और सिर्फ HTTP या HTTPS के लिए। इसी तरह यहाँ पे सारे कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं। बस सर, सिर्फ एक एग्जांपल, वो डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि वेब API बनेगा कैसे। सही है, वेब API जैसे WCF के लिए हमारे पास एक टेम्पलेट था कि हम लोग जो है डायरेक्ट WCF का बना सकते थे। वेब API डायरेक्टली नहीं बनती अगर आप .NET फ्रेमवर्क पे बना रहे हो। फ्रेमवर्क पे रहोगे तो आपको एक वेब एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी पहले। जैसे आप क्रिएट करोगे तो वो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन देखो, यहाँ पे दे रहा है कि वेब API का ऑप्शन दे रहा है। सही, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो मुझे क्या चाहिए, और ये आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा होता है कि वेब API है, MVC है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप .NET कोर पे जाते हो तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको वेब API का ऑप्शन देता है। सही है, वेब API जो है वो ज़्यादा हाइप में चल रहा है, ज़्यादा रिकमेंडेड इसके लिए कि वो मार्केट के हिसाब से भी ज़्यादा चल रहा है, तो इस पे जाओगे प्रेफर्ड ज़्यादा फिलहाल ये है। मगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बैंकिंग इस टाइप के सोल्यूशन है तब WCF पे जाओ। सही है, और अगर टाइम वाला मसला हो तो फिर आप SMX में चले जाते हो। सही है, मगर आहिस्ते आहिस्ते वो बात खत्म हो जाएगी, आपके ऑप्शन नहीं रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ एक कोड दिखा रहा हूँ मगर उसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, वो अगले वाले में हम डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम वहीं पे स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हम वेब API की अगर देखो तो आपके पास पहली चीज फोल्डर कंट्रोलर्स होते हैं, जिसको हम बाद में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। मगर अभी देखो तो लेफ्ट पे आपके पास फोल्डर बना होगा एक मॉडल और कंट्रोलर का। मॉडल क्या होगा, जो कि डेटाबेस से डेटा लाने के लिए यूज हो रहा होगा, तो उसमें मॉडल की तरह जो भी आप यूज करते हो वही होगा, या हो सकता है आप कोई या वो ORM यूज कर लो मॉडल एंड कंट्रोलर। जब वहां से आपके पास डेटा आ जाएगा सारा काम कंट्रोलर पे, अब कंट्रोलर का जो है वो दो टाइप के कंट्रोलर्स नजर आएंगे। एक आपको MVC कंट्रोलर नजर आएगा, तो जिसके अगर आप टॉप पे देखोगे यहाँ सिर्फ कंट्रोलर लिखा होता है, तो उसके टेक्स्ट का पेज भी होता है, सब कुछ नजर आएगा। उसके अंदर जो है अगर आप मेथड बनाते हो तो वो आप डेटा दे रहे हो। इसी चीज को उन्होंने चेंज कर दिया MVC कंट्रोलर को एज एन API कंट्रोलर। API वो MVC कंट्रोलर है तो वहां पे तो वो HTML रिटर्न कर देगा। API कंट्रोलर के दो तरीके हैं, जिसमें से एक बता रहा हूँ जो कि नया वाला तरीका है। यहाँ पे मेथड के नाम देखो तो आपके पास गेट, पुट और डिलीट ये सारी चीजें लिखी हुई है। सही है, अब इसमें क्या फर्क है, इसमें मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ या मैटर नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे गेट की जगह जो है EBC लिख देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोड चलते रहेगा। कॉलिंग किस तरह होगी डिसाइड हो रहा होगा जो HTTP किस तरह का जो है आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले पुराना तरीका ये होता था कि आप टॉप पे एट्रीब्यूट लिखते थे, HTTP पुट, HTTP गेट, ये सारी चीजें लिखते थे। इस वाले तरीके में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद से डिसाइड करेगा कि गेट पे जाना है पोस्ट पे जाना है। सही है, और वो मेथड का नाम यहाँ पे फिर गेट में आपको गेट लिखना पड़ जाता है। अब इसमें दो चीजें कि अगर जो है गेट करवा रहे हो और फिर पैरामीटर्स अलग होने चाहिए या डेटा टाइप्स अलग होनी चाहिए, सेम होगा तो वो नहीं कर सकेगा। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जो कि मोस्टली होता है, उसके आपके पास बहुत ज्यादा मेथड होते हैं, तो हम इसको पुराने तरीके पे जहाँ पे नेम वाले फॉर्मेट पे ले जाते हैं। सही है, इसी में जब अगली क्लास में हम देखेंगे तो हम जो एक फाइल होती है जिसे हम राउटिंग कॉन्फ़िग कहते हैं, वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करेंगे वो पुराने तरीके आ जाएगा। सही है।